हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद अंजू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उसका टॉपिक ही ऐसा है कि सभी को वो टॉपिक बहुत पसंद आएगा, सभी गर्ल्स को, सभी लेडी को। दोस्तों, लंबे, काले, घने और मजबूत और शाइनी बाल किसको पसंद नहीं? ऑब्वियसली सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बाल आपके ज़्यादा रफ ना हो, बाल आपके सिल्की हो, बालों में आपके प्रॉब्लम जो हो, दो मुँहे की हो, चाहे बाल आपके बहुत ज़्यादा रफ हो और चाहे आपको बालों में शाइन चाहिए, तो इसका आप तरीका क्या ढूंढते हैं? आप जाते हैं मोस्टली पार्लर और जाके कराते हैं दोस्तों केराटिन ट्रीटमेंट। सभी जो आजकल चला हुआ है वो सभी कराते हैं, बट केराटिन ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन तो बाल सही रहते हैं, लेकिन उसके एक आध महीने के अंदर बाल एकदम से झाड़ू जैसे फ्रीजी हो जाते हैं। मतलब जिस दिन आप शैम्पू करो तो एक आध घंटा आपके बाल सही रहेंगे, लेकिन उसके बाद पूरे बाल इस तरीके से फ्रीजी हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट या रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट या हाईलाइट ट्रीटमेंट आप जो भी कराते हैं, मैं भी कराती हूँ, आप भी देख सकते हैं मेरे बालों में हाईलाइट है, बट मेरे बाल बिल्कुल भी रफ नहीं है। इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा जिक मैंने पहले आपको बोला है कि रिबॉन्डिंग के बाद या केराटिन के बाद, हाईलाइटिंग के बाद, ग्लोबल कलर के बाद बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और स्कैल्प से कमज़ोर होकर टूटने और झड़ने लगते हैं, क्योंकि इन सब ट्रीटमेंट के अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप रोज़ जाके बाहर जाके स्पा नहीं ले सकते, 1 से 1.5 हज़ार का होता है। दोस्तों, मैं अपने इन बालों को, क्योंकि कलर और बालों में हाईलाइट वगैरह मैं भी कराती हूँ और मैंने भी कई बार पहले केराटिन और ये वाला ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लेकिन मैंने अब इसका सोल्यूशन घर में निकाला है किस तरीके से आप बिल्कुल नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और 100% श्योर, अगर आप हफ्ते में एक बार ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो चाहे बाल आपके कितने भी झाड़ू जैसे हैं, फ्रीजी है, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, स्कैल्प आपकी बहुत ज़्यादा स्कैल्पलम आ रही है, तो मेरे बताए अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप ये वाला ट्रीटमेंट घर में कीजिए। नेचुरल ट्रीटमेंट मैं आपके लिए आज वीडियो में लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वाला ट्रीटमेंट बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर ये वाला ट्रीटमेंट आपको पसंद आता है जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर करना बनता है। ऑफ कोर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है आपके लिए हार्डवर्क करते हुए। वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है। बिल्कुल निराश नहीं होंगे आप चैनल सब्सक्राइब करके, आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेके आती रहूँगी। दोस्तों, तो ये आज का जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, ड्राई और बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, और थोड़े से आपको, अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है, थोड़े से आपको स्ट्रेट भी, मतलब आप जिस दिन ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो स्ट्रेट काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी लगेंगे, यानी कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में होने वाला है। तो कैसे आप घर में बिल्कुल नेचुरली केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो सब चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। पूरी वीडियो आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक पैन के अंदर ले लेना है, या तो आपको लेना है ओलिव ऑयल, और अगर आपके पास ओलिव ऑयल नहीं है तो आप ले सकते हैं तिल का तेल, या फिर आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। को इसके अंदर डालना है 1 चम्मच भर के फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के अंदर केराटिन भरपूर मात्रा में होता है, जितना हमारे बालों को चाहिए तो इतना केराटिन फ्लैक्सीड के अंदर होता है, जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है और बालों को बहुत ज्यादा मजबूती देता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्लैक्सीड को बस आपको इसके अंदर सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है और उसके बाद आपको गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद आपको इसके अंदर 2 चीजें और मिलानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये हिबिकस लीव, यानी कि गुड़हल की पत्तियां, और गुड़हल का फूल भी मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पत्तियां भी आपका बराबर वो ही वर्क करती है। तो हिबिकस लीव, और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलाना है करी पत्ता। ये करी पत्ता लीव आपको इसके अंदर मिला के छोड़ देनी है गरम, अभी हमारा तेल है। और हिबिकस लीव और करी पत्ते को आपको थोड़ा सा सुखा लेना है, यानी कि गीला नहीं रखना है, हल्का सा आपको सुखा लेना है, क्योंकि इस तेल को आप एक बार बना के जो केराटिन ऑयल है स्टोर भी कर सकते हैं महीने भर के लिए फ्रिज में। तो इसको डालने के बाद इन तीनों चीजों को आपको, इनको
इन्फ्यूज होने के लिए हिबिस्कस लीव को, करी पत्ते को कम से कम आपको एक घंटा छोड़ देना है और एक घंटे के बाद को आपको छान लेना है और उसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। एक घंटे बाद जब ये इसमें इन्फ्यूज हो जाए सारी चीजें, तो आपको इस ऑयल को इस तरीके से छान लेना है और इसके अंदर आप मिलाने हैं 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल इससे ऐड करने से हमारे बालों को मोर शाइनी यानी के चमकदार बनाएगा, मजबूत बनाएगा और बालों में फ्रिजीनेस की जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत हद तक दूर करेगा, स्कैल्प को नरिश करेगा और बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये हो चुका है हमारा इस तरीके से दोस्तों ये केराटिन ऑयल तैयार। इसको आप ज्यादा मात्रा में एक बार बना के रख लें तो बहुत अच्छा है, एक महीने के लिए आप फ्री रहेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ था तो मैंने इसे इतनी मात्रा में ही बनाया है क्योंकि मेरे पास अभी बना रखा है। अब आप इसको लगाना कैसे है चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये बेस्ट केराटिन ऑयल आपको रात को अपने इस तरीके से जड़ों में और पूरे बालों की लेंथ पे इस तरीके से लगाना है कि ये पूरी रात आपके बालों में अच्छे से वर्क करे। अच्छे से जड़ों में लगा के जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ फिर आपको लेंथ पे लगाना है और हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है 10 से 5 मिनट। ये आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आपको पूरे बालों में ये ऑयल लगा के सो जाना है और सुबह माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को धो लेना है और माइल्ड ही आपको अपने बालों पर करना है कंडीशनर, आफ्टर वॉश कंडीशनर और माइल्ड शैम्पू से आपको धो लेना है पूरी रात रखने के बाद। आप हल्के हाथ से इसी तरह से मसाज करते हुए, क्योंकि मसाज वेरी इंपॉर्टेंट। केराटिन मास्क बनाने के लिए जैसे कि एक जार के अंदर आप देख रहे हैं मैंने डाले हैं पके हुए चावल और उनको ठंडा कर लिया है। उबले हुए प्लेन चावल लेने हैं, ना कोई नमक और उनके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लेन चावल ले सकते हैं आप 6 से 8 चम्मच अकॉर्डिंग अपने बालों की लेंथ की। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या ऐड करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दोस्तों कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम हमारे बालों को बहुत ज्यादा फ्रिज फ्री बनाता है, जो हमारे बालों में फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है उसको कम करता है, हमारे बालों को मजबूत करता है, हमारे बालों को शाइनी बनाता है और बालों में जो आप केमिकल ट्रीटमेंट के बाद शाइन चाहते हैं कि वो आए उसको बहुत हद तक मेंटेन करता है और बाल आपके स्ट्रेट करने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो ये 2 चीजें आपको पहले लेके मिक्सी जार में पीस लेनी है और उसके बाद इसको छान लेना है, उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड करना है और कैसे मास्क लगाना है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। कोकोनट क्रीम की मात्रा दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं अपने बालों के अकॉर्डिंग और आफ्टर इसको पीसने के आप इसको छान ले जैसे मैं छान रही हूँ और जो इसका पेस्ट निकलेगा, अब छानने के बाद जो इस क्रीम का और चावल का पेस्ट निकलेगा ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा स्मूथ बालों के लिए बहुत ही बढ़िया केराटिन मास्क बन के रेडी है। बस इसमें आपको 2 चीजें और मिलानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। के अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर मिक्स करना है हमें 1 चम्मच भर के शहद, यानी हमारे बालों को डीपली नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के, हाइड्रेट करने के लिए ये आपका बेस्ट केराटिन मास्क बनके रेडी है, जो आपके बालों को एक तरीके से नया जीवन देगा। आप वीक में एक बार ये वाला ट्रीटमेंट भी करते हैं, चाहे आपके बाल कितने भी फ्रिजी हैं, चाहे आपके बालों में कितनी भी प्रॉब्लम है, दो मुखी है, कमजोर है, फ्रिजीनेस है, अगर आप ये केराटिन ऑयल और ये केराटिन मास्क लगाते हैं मेरे बताए अनुसार। मास्क कैसे अप्लाई करना है वो भी चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलने वाले। अब ये हमारा बेहतरीन केराटिन मास्क बनके तैयार है। आपको आफ्टर वॉश बालों को सुखाने के बाद बिल्कुल ड्राई नहीं करने हैं, हल्के गीले बालों में आप इस तरीके से अपनी पूरी लेंथ में आपको लगाना है। स्कैल्प आप छोड़ सकते हैं, अपने बालों की पूरी लेंथ में आपको फिंगर में ले लेके इस तरीके से केराटिन मास्क लगाना है।
पूरे बालों में, हल्के गीले बालों में इस तरीके से केराटिन मास्क लगाने से बालों की रफनेस, ड्राइनेस सब दूर होगी और बालों को बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगी, लेंथ मिलेगी और बाल आपके स्ट्रेट भी लगने लगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको लगाने के बाद बाल किस तरीके से थोड़े स्ट्रेट लग रहे हैं, अभी गीले बाल ही, क्योंकि ये वाला जो मास्क है बालों पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। और इसको लगा के आपको 40 से 45 मिनट छोड़ देना है। और आफ्टर वॉश आप देख रहे हैं बालों को मैंने धो लिया है और बालों को अब मैंने हल्के से सुखा लिया है और बालों की आप देख रहे हैं दोस्तों कि वॉल्यूम कितनी अच्छी आई है, बाल कितने ज़्यादा मेरे सिल्की लग रहे हैं और बाल मेरे बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं। और मैं यकीन मानिए, मैं तो महीने में कम से कम इसको 3 से 4 बार यही वाला ट्रीटमेंट करती हूँ, क्योंकि मैं भी बालों पर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं हाईलाइटिंग, रिबॉन्डिंग वगैरह सब आया था, लेकिन बाल बहुत खराब हो गए थे। मेरी फ्रेंड्स मुझसे हमेशा पूछती है कि हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारे बाल बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाल इतने शाइनी कैसे रहते हैं? तो ये ही राज है मेरे इस होम केराटिन ट्रीटमेंट का, जो मेरे बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत, शाइनी और बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो गए हैं। पहले से मेरे बालों की वॉल्यूम भी बढ़ गई है। तो आप ये नेचुरली होम केराटिन ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करिएगा और इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। और महीने में 3-4 बार आप इसको करते हैं तो बालों में बहुत ही ज़्यादा फर्क आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी है, जो नेचुरली ट्रीटमेंट मैंने घर पर बताया केराटिन, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।